लेह लद्दाख हिमाचल के उत्तर में स्थित भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और शीत मरुस्थल होने के कारण यहाँ का कल्चर और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के पास हर एक ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने रोड ट्रिप्स में लेह लद्दाख का रोड ट्रिप नहीं किया तो आपने शायद ही अभी तक रोड ट्रिप्स को ढंग से जिया है। मनाली से लेह टाउन का डिस्टेंस 427 किलोमीटर के आसपास है और इस डिस्टेंस को आप 1 से 2 दिन में बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही इस सफर को विश्व के सबसे खूबसूरत सफरों में से एक में टैग किया जाता है और इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस खूबसूरत लेह लद्दाख के सफर में हमारे साथ और इस वीडियो में हम आपको लेह लद्दाख की 10 ऐसी खूबसूरत जगहें बताएंगे जिन्हें आप अपने नेक्स्ट लेह लद्दाख के ट्रिप में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर आप लद्दाख को बाय एयर भी विजिट करना चाहते हैं तो लद्दाख में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते और उनमें से सबसे ऊपर आती है द फेमस पैंगोंग लेक, जो कि हमारी भी पर्सनल फेवरेट जगह है लेह लद्दाख में। लेह टाउन से पैंगोंग लेक का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर के आसपास है जिसके लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा और इसे आप वाई खारदुंगला पास बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। पैंगोंग लेक लेह लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और साथ ही यहाँ पे फेमस मूवी 3 इडियट्स की शूटिंग भी हो चुकी है तो इस लेक को वो चीज और स्पेशल बना देती है। आप लोग पैंगोंग लेक के लिए एक रात का स्टे प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से कैंपिंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप लद्दाख में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है द हिडन सोमोरेरी लेक। सोमोरेरी लेक को विजिट करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप मनाली से लेह के रोड ट्रिप में एक जगह आती है मोरे प्लेन जहां से आप सोमोरेरी के लिए जा सकते हैं या फिर आप पैंगोंग से सोमोरेरी को डायरेक्टली भी ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें आपको माहे टॉप क्रॉस करना पड़ेगा और इसमें आपको डिस्टेंस लगभग 368 किलोमीटर के आसपास रहेगा। सोमोरेरी लेक एक बहुत ही खूबसूरत और एक हिडन लेक है जिस करके आपको यहाँ पे बहुत ही कम टूरिज्म देखने को मिलेगा। सोमोरेरी लेक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके सफर में आपको यहाँ की नोमैडिक ट्राइब चांगपास देखने को मिलेंगे जो आज भी अपना जीवन बहुत ही सादगी से व्यतीत करते हैं अपनी हर्ड्स और कैटल्स के साथ। तीसरी सबसे खूबसूरत जगह जिससे आप अपने लेह लद्दाख के रोड ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है द फेमस खारदुंगला पास जो वर्ल्ड का 2nd highest मोटरेबल रोड भी है। लेह टाउन से खारदुंगला पास का डिस्टेंस लगभग 38 किलोमीटर के आसपास है और ये जर्नी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत और रोमांच से भरी हुई है। अगर आप मई जून के महीने या फिर गर्मियों में भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको खारदुंगला पास में 5 से 6 फुट ऊंची बर्फ की दीवारें देखने को मिल जाएंगी जो उस वक्त में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। खारदुंगला पास को क्रॉस करने के बाद और 3 से 4 घंटे की ड्राइव के बाद आप फाइनली नुब्रा वैली में एंटर कर जाएंगे और नुब्रा वैली में सबसे पहली जगह जिसे आप कवर कर सकते हैं वो है दिस्कित मॉनेस्ट्री। दिस्कित मॉनेस्ट्री नुब्रा वैली के दिस्कित विलेज में लोकेटेड है और इस मॉनेस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे मैत्रेय बुद्धा की 32 मीटर ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी और इस जगह से आपको पूरी नुब्रा वैली के बहुत ही शानदार बर्ड आई व्यू देखने को मिलेंगे। नुब्रा वैली के दिस्कित मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद आप हुंदर विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो नुब्रा वैली के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे और खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
लेह लद्दाख यानी कि शीत मरुस्थल में आपको यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे डबल हम्प कैमलून्स, जिन्हें प्री इंडिपेंडेंस अफगानिस्तान से यहाँ लाया गया था, और उसके बाद ये यहाँ पे बहुत ही मेजर अट्रैक्शन साइट बने हैं टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप लेह लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करें तो आप नुब्रा में डबल हम कैमल राइड को मिस ना करें, और आप सेम डे यहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं या फिर एक दो दिन रुक भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि आप लेह टाउन के आसपास कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं। तो अगर हम बात कर ले लेह टाउन में, तो लेह टाउन में लेह का माल रोड एक बहुत ही प्रीमियर जगह है जिससे आप कभी स्किप नहीं कर सकते, तो वो तो आपको कवर करना ही होगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे द ब्यूटीफुल लेह पैलेस भी कवर कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरे लेह टाउन के बहुत ही शानदार बर्ड आई व्यू देखने को मिलेंगे। माल रोड से लेह पैलेस के लिए आपको आधे घंटे का वक्त लगेगा, जिसे आप इजीली वॉक करके कवर कर सकते हैं। लेह पैलेस को एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप यहाँ का लोकल म्यूजियम भी कवर कर सकते हैं, और साथ ही लेह पैलेस से 10-15 मिनट की और वॉक पे आपको खूबसूरत सीमो गोम्पा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार जगह है, तो जिसे आप कभी भी स्किप ना करें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने लेह लद्दाख के ट्रिप में कवर कर सकते हैं, वो है यहाँ की फेमस थिक्से मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री लेह लद्दाख की सबसे बड़ी और खूबसूरत मोनेस्ट्रीज में से एक है, और इसे पूरा घूमने के लिए आपको लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इस मोनेस्ट्री में आपको सही मायनों में लद्दाखी और तिब्बतन आर्किटेक्चर की एक झलक देखने को मिलेगी, और अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिसको पुरानी और ऐतिहासिक बिल्डिंगें पसंद हैं, तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट जगह होने वाली है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने लिए लद्दाख की ट्रिप में कवर कर सकते हैं, वो है यहाँ का शांति स्तूपा। शांति स्तूपा लेह टाउन से बिल्कुल थोड़े ही डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो आप इस जगह को लेह टाउन से वॉक करके भी इजीली कवर कर सकते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन जो हम आपको देना चाहेंगे कि कभी भी अगर आप शांति स्तूपा आने का सोचें, तो आप ट्राई करें कि आप इस जगह को शाम के आसपास ही विजिट करें, जब सनसेट का टाइम होता है, क्योंकि यहां से लेह लद्दाख का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने को मिलता है। इसके अलावा दो और जगहें जो आपको कवर करनी है, वो है द फेमस मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी से खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी को एक बॉक्स के बीच में लगा के आप देखेंगे कि वो खुद बंद होके पहाड़ की चढ़ाई की तरफ मूव करेगी। और दूसरी जगह है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जिससे आप मैग्नेटिक हिल के रास्ते में ही कवर कर सकते हैं, और वहाँ पे आप माथा जरूर टेके, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र जगह है। तो दोस्तों, ये थी लेह लद्दाख की 10 ऐसी खूबसूरत जगह है जिन्हें आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिप में